नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राजवंश सिंह मोहाली, रियल एस्टेट मेंटर, रियल एस्टेट बुक्स का ऑथर एंड मोटिवेशन स्पीकर। आज का जो टॉपिक मैंने लिखा है, एग्रीमेंट टू सेल करते हुए विश्वास न करें, किसी पर भी विश्वास न करें। मैं आपके साथ दो घटनाएं साझी करना चाहता हूं। 15-20 साल पहले अमृतसर में दो दोस्त रहते हैं। वो एक दोस्त ने बोला अपने दोस्त को कि मैंने यार मेरे को पैसे की ज़रूरत है, मैंने कोई ये अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता। तो दूसरे दोस्त ने कहा कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, तुमने प्रॉपर्टी बेचनी है, मेरे पास पैसे पड़े हैं तो मैं ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो जो भी उनके साथ डील होगी, डील होने के बाद वो एग्रीमेंट टू सेल तैयार करवा लिया गया। एग्रीमेंट टू सेल तैयार करवा के वो जो सेलर था उसकी वाइफ के नाम पर प्रॉपर्टी थी। तो वो कहता जी मैं साइन आपको यहाँ करवा बुला के करवाऊँ वाइफ को या घर से करवा दूँ। वो दोस्त कहने लगे यार रोज़ हम इकट्ठे बैठते हैं, कोई बात नहीं आप घर से करवा लेना। तो वो जाके घर से साइन करवा के ले आया और परचेजर पार्टी को दे दिया। परचेजर पार्टी को देने के बाद 3-4 महीने बाद जब टाइम आया रजिस्ट्री का, तो परचेजर ने कहा कि भाई उसकी रजिस्ट्री करवा दे अब, क्योंकि मेरे पास पैसे का इंतजाम हो गया। तो कहते कौन सी रजिस्ट्री? तो कहते यार कमाल रजिस्ट्री का जो हमने प्लॉट तुम्हारे से लिया है और तुम्हारी वाइफ के नाम पे था। कहते यार क्या तेरा दिमाग ख़राब है, मेरी वाइफ को तो 2 साल हो गए अमेरिका गई को, तो ये पता नहीं तू क्या कौन सी बातें, कौन सी दुनिया में रह रहा, क्या नशा पता किया हो गया। तो वो ये नहीं कि उस जो परचेजर था वो झूठ बोल रहा था, परचेजर सच बोल रहा था, लेकिन सेलर को पता था मेरी वाइफ बाहर है, उसके मन में बेईमानी थी, उसने पता नहीं किसके साइन करके दे दी और सिग्नेचर हो गए। वो तब 15 साल पुरानी बात या 20 साल पुरानी, तब कैश के लेन देन में ही प्रॉपर्टी बिक जाती थी। अब तो हमें बैंक ट्रांसफ़र, चेक, ड्राफ्ट कई कुछ देना पड़ता है, RTGS देनी पड़ेगी, तो तब हो जाता था। तो जब उस आदमी ने उसको दोबारे कहा कि यार तू मजाक छोड़ मेरी रजिस्ट्री करवा दे, तो वो आदमी ने उसको धमकी दे डाली कि तुमने मेरी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए मेरी वाइफ के साइन खुद कर लिए, मैंने तो तेरे से पैसे नहीं लिए, और 10 लाख रुपए की तुमने मेरे साथ मतलब मेरी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो। तो जो आदमी ने, खरीदार ने 10 लाख रुपया दिया हुआ था उसको, तो वो उसको छोड़ना पड़ा क्योंकि उसकी वाइफ बाकी मेरे अमेरिका गई हुई थी। सेलर को पता था, परचेजर को नहीं पता था। परचेजर की गलती सिर्फ ये थी कि वो सेलर के घर पे जाके उसने अपने सामने साइन नहीं करवाई। यदि वो सामने साइन करवा लेता तो उसमें ये धोखाधड़ी होने के चांस ना होते। एक तो धोखाधड़ी होगी, दूसरे ऊपर से ब्लैकमेलिंग कि तुमने ये एग्रीमेंट आप ही तैयार करके किसी के, मेरी वाइफ के साइन करके तैयार कर लिया है, और मैं आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करूँगा कि मेरी वाइफ तो अमेरिका बैठी है। तो वो किसी तरीके से अपने पैसे भी छोड़े उसने और हाथ बांध के उससे मतलब माफ़ी भी मांगी। दूसरी घटना जो मैं ये कहता हूँ, एग्रीमेंट में उस जब हमने कभी ज़रूरत पड़ती है डेट एक्सटेंड करवाने की, तो यह कोशिश करें कि एग्रीमेंट ओरिजिनल है जो आपका वहाँ ना जाए डेट एक्सटेंड होने के लिए। आप कहोगे क्यों ना जाए, क्योंकि मैं 3-4 घटनाएं ऐसी देख चुका हूँ जिसमें मैं एक घटना आपको बताता हूँ। मोहाली ज़िले में एक सनेटा गाँव है जिन्होंने अपना प्लॉट प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू किसी को बेचा था। तो वो प्लॉट हमारे पुड्डा है, PUDA, पुड्डा का मतलब पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्लॉट था। उसमें कोई NOC वगैरह की कोई दिक्कत थी, वो डेट एक्सटेंड करनी पड़ गई उनको। तो डेट एक्सटेंड करनी पड़ गई, तो वो कहा कि भाई डेट एक्सटेंड कर लो। तो वो कहते चलो आ जाओ घर पे, जो परचेजर को और प्रॉपर्टी डीलर को उन्होंने घर पे बुला लिया, और घर पे चाय पानी पिलाने के बाद तो उन्होंने कहा बताओ कहाँ साइन करने हैं, लिख दो पीछे भी डेट कितनी देर की एक्सटेंड करनी है। जब उन्होंने लिख दिया तो कहता है मेरी वाइफ अंदर बैठी है, चूल्हे पे खाना बना रही है, मैं अंदर से साइन करा दूँ या आपको ये नहीं विश्वास तो यहाँ बुला दूँ। तो जो बीच में बैठे थे वो कहते चार घर से करवा दो, अंदर से करवा दो, आपके साथ इतना तो हमारे पुरानी जान पहचान है। तो जब वो अंदर वाइफ के साइन करवाने गया तो वाकई उसने फाड़ के उसको चूल्हे में फेंक दिया और वो सारे का सारा एग्रीमेंट ही उसका नष्ट कर दिया, पैसे नष्ट कर दिया। ये भी पुरानी बात है, तब भी कैश पे ही ज़्यादा प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन होती थी। आपने ये गलती नहीं करनी। यदि आपने एग्रीमेंट टू सेल साइन करना है तो आप अपने सामने बुला के साइन करो, कोई विश्वास में नहीं करना। विश्वास का मतलब ही दो शब्द है,
इसका मतलब विष और इसका मतलब वास। जहाँ आप विश्वास करोगे तो उसमें जहर का वसा हो सकता है। ये नहीं कि 100% आपने विश्वास नहीं करना, लेकिन फिर भी आंखें खोल के चलना दोस्तों। ये कितना बड़ा मतलब पहले पहले जो आपको एग्जांपल दिए, कितना बड़ा धोखा बंदे के साथ, उससे 10 लाख रुपए भी ले लिया और उसको ब्लैकमेल भी कर दिया कि तुमने मेरी वाइफ के सहन अपने आप ही करेंगे, गवैये गुंजो डालते नहीं थे तब, मतलब गुड फेथ में चलता है, चलो ठीक है अभी साइन हो गए ठीक है। यदि प्रॉपर तरीके से करा होता, यदि कोई गवाही उसमें डली होती तो गवाह तो बता सकता था कि यार इस तरीके से है भाई, मेरे सामने सहन हुए हैं, उसके सामने है था नहीं है। तो इन बातों का आपने ध्यान रखा। ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ अपनी कीमत मांगती है और कीमत बहुत बड़ी हो जाती है। तो आपने ध्यान रखना है इस तरीके की, यदि आपको सिचुएशन आए तो उसको बड़े तरीके से हैंडल करना है। पहले तो यह घर पर जाके सहन ही नहीं करवाने किसी के, जो जिसने पैसे लेने हैं वो उसको बुलाओ यहाँ पर, कल को रजिस्ट्री करवाने भी तो आएगा। एग्रीमेंट टू सेल में प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, रजिस्ट्री में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। रजिस्ट्री में तो सामने वाला बंदा जो है वो तहसीलदार के सामने आएगा, साइन करेगा, पटवारी के या नंबरदार के किसी और के गवाही के साइन के तौर पर साइन होंगे, उनको आइडेंटिफाई करेगा। लेकिन जो एग्रीमेंट टू सेल है ये घर में बैठ के कर लेते हैं बंदे। तो घर में बैठ के यदि करते हो तो आपने साइन अपने सामने करवाने की कोशिश करनी है, नहीं तो धोखा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जब ऐसा धोखा है तो फिर ये समझो फाइनेंशियल एक्सीडेंट हो गया। फाइनेंशियल एक्सीडेंट में आपका कितना नुकसान हो सकता है ये हम कुछ कह ही नहीं सकते। सो इस बात का आपने ध्यान रखना है। यदि आपको ऐसी प्रॉब्लम हो, ऐसी कोई दिक्कत आती है तो सामने बुला लेना बंदे को, कोई शर्म नहीं करनी। आज से 15-20 साल पहले जब रजिस्ट्री इस तरीके से होती थी, कंप्यूटर में नहीं थी, तो जाके तहसीलदार मतलब कई बार ऐसे ही रजिस्ट्रियाँ कर देते थे। कई बार मैंने ये भी देखा घर पे आके भी रजिस्ट्रियाँ करी हैं। कोई दोस्ती होती थी तहसीलदार, सपोज मेरे को जानता है तो शाम को खाने पे मिलना वहीं साइन कर देनी, क्यों किसी को इतना उसने सेलर ने आने की जरूरत नहीं, उसको एक बार बस उसने लिख देना है। तो इस तरीके के भी केस आए हैं कि वो पार्टी बाहर बैठी है और साइन यहाँ हो गए और रजिस्ट्री होगी, बाद में वो रजिस्ट्री चैलेंज होगी, उसमें तहसीलदार भी फंसा और जो जो खरीदार था वो तो फंसा ही फंसा। अब थोड़ा सेफ हो गया, काफ़ी सेफ हो गया, बल्कि थोड़ा टाइम जरूर लगता है, अभी अपॉइंटमेंट मिलती है और मतलब जो रजिस्ट्री करने के सामने तहसीलदार के सामने जाना पड़ता है, बैंक ट्रांसफ़र होती है, सारा कुछ है, अब सेफ्टी हो गई है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में अभी भी कहीं ना कहीं गड़बड़ होने के चांसेस हो सकते हैं। सो आपने इन बातों का ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, इस पर चर्चा करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना और कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में। बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक आप सीखते रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।